इस ना बोलने के कारण जो समाज को और हमारे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। हम सबको एक मीडियाटाइज सोसाइटी से गवर्न किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। मीडियाटाइज सोसाइटी आप उसे समझ सकते हैं जहाँ दिन भर चैनल एक ही बात कर रहे हों, दिन भर अखबार वही बात कर रहे हों और सोशल मीडिया पर आईटी सेल वही बात कर रहा हो। अब ज़रा सा कोई बात अलग कीजिए वो आपको आइसोलेट करने के लिए आ जाते हैं, डराते हैं आपको, धमकाते हैं और नतीजा क्या होता है कि आप बोलना बंद कर देते हैं, आप एक कमज़ोर नागरिक में बदल जाते हैं। लेकिन जो नॉन मीडियाटाइज सोसाइटी है वो बहुत अलग है। आप उस समाज के भीतर जाके देखिए तो ना तो वो मुहर्रम के समय झगड़ता है, ना दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय झगड़ता है। उसे मालूम है कि ट्रेन में साथ चलना है तो वो एक दूसरे के साथ पराठे भी बांट कर खा लेता है और पूड़ियाँ भी बांट कर खा लेता है। लेकिन जो मीडियाटाइज सोसाइटी है जिसके जरिए न्यूज एंकर रोज रात को डर का राष्ट्रीयकरण करता, हमारे देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये फियर का नेशनलाइजेशन करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बताते हैं कि अगर तोप यूनिवर्सिटी में नहीं लगा, टैंक नहीं लगा तो हमारे देश के बच्चों में राष्ट्रवाद नहीं आएगा। अगर टैंक से ही राष्ट्रवाद आना है तो पहले टैंक बनाओ भाई, गली गली में टैंक बनाओ, टैंक खाओ, टैंक पियो, टैंक ही सो जाओ, टैंक हो जाओ और राष्ट्रवादी बन जाओ। ये वो डर बांट रहा है आपके भीतर कि वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो देश बंट जाएगा। वो तरह तरह के ऐसे मुद्दों को लेकर आता है जिनका आपकी वास्तविकता से, वो वास्तविक हैं लेकिन आपकी रोजमर्रा की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं और आपके भीतर एक डर पैदा करता है। इसीलिए जो मीडियाटाइज्ड इंडिया है वो डरा हुआ इंडिया है, क्योंकि उसके पास आधी अधूरी सूचनाएं हैं और वो हमेशा आशंकाओं पर जीता है। जो नॉन मीडियाटाइज्ड इंडिया है वो डरा हुआ इंडिया नहीं है, वो आपको हमको जानता है, उसने देखा है कि जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं वहां हिंदू मुहर्रम का तजिया उठा लेते हैं और जिस गांव में हिंदू का पंडाल है दुर्गा पूजा का वहां जाकर मुसलमान सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार भी कर लेता है। तो हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं, ये नॉन मीडियाटाइज्ड हिंदुस्तान ही हमारी उम्मीद है। वो इस तरह से उम्मीद है कि वो रोज देख रहा है, वो रोज देख रहा है, वो रोज कुचला जा रहा है कि आपने जो दावे किए हैं वो उनकी जिंदगी में कितना फर्क ला रहा है। नहीं लाया तभी रेवाड़ी की लड़कियां जो 10वीं क्लास में पढ़ती थीं, जब उन्होंने देखा कि वो दूसरे स्कूल में जाने के लिए रास्ता तय करती हैं तो छेड़खानी का सामना करना पड़ता है, लड़कियां अनशन पर बैठ गई। ये अनशन का अधिकार, नैतिक अधिकार किसी राजनीतिक दल ने, किसी न्यूज एंकर ने उन लड़कियों को नहीं दिया था, गांधी ने दिया था। बीएचयू की लड़कियां कई दशक से छेड़खानी, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना कर रही थीं, मगर वो नहीं बोल रही थीं। मगर इस साल की लड़कियों ने बोला और जब बोला तो क्या हुआ, जो नारा लगाते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और जब लड़कियों ने इस नारे को समझ लिया, अपना बना लिया कि हम बेटियां पढ़ेंगे भी और अपने आप को खुद ही बचा लेंगे, तो लाठी बरसाने लगे आप। तो जब बेटियां कहेंगी कि हम खुद पढ़ लेंगे खुद बचा लेंगे तो आप लाठी से पीटेंगे, और जब तक वो नारा लेकर पोस्टर चिपकाकर गांव गांव घूमते रहे तो आप उसे कैंपेन बना देंगे। तो हमें यह चीज देखना पड़ेगा कि जो नॉन मीडियाटाइज सोसाइटी है वो नहीं डरता है, वो इसलिए कि वो रोज रात अपनी जिंदगी का फतवा मांगने के लिए, फतवा मतलब डायरेक्टिव मतलब क्या करना है नहीं करना है, वो न्यूज एंकर के पास नहीं जाता, वो हिंदुस्तान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच में देख लेता है।